हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बात करेंगे जो वीडा V1 प्रो है, अगर इसको अपन फास्ट चार्जर से चार्ज करते हैं तो अपन कितना किलोमीटर तक जा सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। तो फास्ट चार्जर से अपन जब इसको चार्ज करते हैं तो ये करीबन 80% चार्ज होती है। 80% में ये गाड़ी कितना किलोमीटर चल सकती है ये अपन देखेंगे। तो अभी मेरी गाड़ी मैंने चार्ज लगा दी, यहाँ पर 15-16% चार्ज है गाड़ी, और इसको मेरे को अभी चार्ज लगाया मैंने यह फास्ट चार्जर पर लाके, जो एथर ग्रिप चार्जर है यहाँ पर लाके मैं चार्ज किया है। तो यहाँ पे मेरी गाड़ी को जो चार्ज होने में करीबन समय लगा है वो करीबन 1 घंटे का समय लगा है, और जो मेरी गाड़ी है करीबन अभी 80% चार्ज हो चुकी बैटरी, और यहाँ पे ये चार्जिंग करना बंद कर दिया है। ये जो एथर वाला जो ब्लू लाइट है ये ब्लिंक करती है, तो ये भी चार्ज होना बंद कर। तो यहाँ से अपन इसके एथर को चार्जर को निकालते हैं और इसको वापस, ये देखो आप सॉकेट देख सकते हो जो फास्ट चार्जर सॉकेट होता है, और इसको यहाँ पर एथर ग्रिप पे वापस लगा देते हैं, और अपन यहाँ से अभी चलना शुरू करेंगे और देखेंगे कितने किलोमीटर तक अपन गाड़ी चला सकते हैं। तो यहाँ पे चार्जिंग बंद कर दिया है, और यहाँ पे तारीख हो रही है, आज 12 तारीख हो रही है, 8वां महीना है, और टाइम की बात करें दोस्तों तो 3:44 हो रहे हैं। तो यहाँ पे अपन ट्रिप सेट कर देते हैं, और अभी की टेम्परेचर की बात करें तो 28 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है, और मेरी जो वीडा की बैटरी दिखा रही है 80% बैटरी दिखा रही है, और 93 किलोमीटर रेंज दिखा रही है, और टोटल रीडिंग हो रही है 4499 किलोमीटर टोटल रीडिंग हो रही है। तो यहाँ से अभी अपन चलना शुरू करेंगे। टेम्परेचर 28 डिग्री करीबन टेम्परेचर है, और 12 तारीख है, 8वां महीना और 2024। तो यहाँ से अपन चलना शुरू करेंगे और देखेंगे ये गाड़ी कितने किलोमीटर चलती है। तो अभी दोस्तों 9.1 किलोमीटर में यहाँ पे चल के आ गया हूँ, और यहाँ पे थोड़ी देर में रुक गया था, साइड पे बंदे काम कर रहे थे देखने के लिए, ये ऑप्टिकल फाइबर का मतलब एक्टिवेशन कर रहे हैं हम वहाँ पे, इसलिए रुक गया था मैं। तो बैटरी अभी 75% चार्ज है, 86 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, और अभी बैटरी जो है 7% में 9 किलोमीटर करीबन चली, जो कि अच्छी रेंज दिख रही है मेरे को। तो अभी दोस्तों मैं 15.2 किलोमीटर पर चल चुका हूँ, और तो एवरेज स्पीड रही मेरी 31.2 की रही, और जो रीडिंग दिखा रही है वो 4514 मीटर दिखा रही है, और मतलब जो गाड़ी का जो आज जो एवरेज निकल के आ रहा है वो करीबन काफ़ी अच्छा मतलब एवरेज दिया है मेरे को गाड़ी ने। मतलब दोस्तों अगर बात करूँ भी मैं तो 54% बैटरी है, और 36.5 किलोमीटर में चल चुका हूँ, 30.5 का एवरेज है। तो आप देख सकते हो दोस्तों गाड़ी जो मतलब चल रही है वो आराम से चल रही है, और कोई इशू लग नहीं रहा मेरे को। मतलब मेरे को लग रहा है आज गाड़ी जो चलेगी करीबन 90 किलोमीटर चल जाएगी अभी। मतलब दोस्तों मैं भी बात करूँ तो 36.7 किलोमीटर मतलब 37 किलोमीटर करीबन गाड़ी चलने वाली है, और जो बैटरी जो मेरी ड्रेन हुई है आप देख सकते हो दोस्तों, मैं 82% करके लाया था, तो करीबन अभी बैटरी में बात करूँ दोस्तों तो जो मेरी बैटरी जो ड्रेन हुई 29% में जो गाड़ी है 36.9 किलोमीटर चल चुकी है, और मेरे गाड़ी चलाते हुए 1 घंटा 12 मिनट हो गए। तो जब गाड़ी की जो एवरेज निकल के आ रही है वो करीबन काफ़ी अच्छी निकल के आ रही है। जो एवरेज स्पीड दोस्तों आज मैंने थोड़ी कम रखी है, मतलब आज गाड़ी मैं आराम से चला रहा हूँ ज़्यादा, मतलब जो इको मोड पे कंटिन्यू मैं हमेशा 45 की स्पीड में चलाता हूँ वो चलाई नहीं मैंने आज, जहाँ मतलब ब्रेकर मतलब रोड ख़राब थी वहाँ पे मैंने गाड़ी को 30-35 की स्पीड रखी, ज़्यादा मतलब तेज़ी से चलाने की कोशिश नहीं की। तो अभी बात करूँ दोस्तों तो 45% गाड़ी की बैटरी रह गई है, और जो मैंने टोटल ट्रिप जो सेट किया उसमें 45.7 किलोमीटर में चल चुका हूँ। तो जो बैटरी अभी मेरी करीबन जो ड्रेन हुई है, अगर बैटरी की बात करूँ दोस्तों तो बैटरी मेरी करीबन 35-37% करीबन ड्रेन हुई है, उसमें मेरी गाड़ी 45.8 किलोमीटर चल चुकी है, और मेरे को चलते हुए जो टाइम हुआ 1 घंटा 28 मिनट हुआ है, और टेम्परेचर है दोस्तों 29 डिग्री टेम्परेचर, और टाइम हो रहा है अभी 5:38 और 53 किलोमीटर की मेरे को इसमें रेंज दिखा रहा है। तो जहाँ तक मेरे को लग रहा है आज जो गाड़ी चलेगी वो करीबन 90 किलोमीटर करीबन गाड़ी चल जाएगी, तो मेरे को ऐसा लग नहीं रहा कि मतलब ऐसा कोई इशू आएगा, 90 किलोमीटर तक गाड़ी आराम से चल जाएगी। और टाइम दोस्तों भी देख सकते हो अब, मतलब जो गाड़ी की जो कंटिन्यू चला रहा हूँ मैं, इसमें औसत स्पीड वगैरह है वो मैंने मतलब काफ़ी मैनेज करी है, और जो एथर के जो मतलब ऐप का और गाड़ी की सर्विस कराई है उसके बाद में जो चार्जिंग में लगने वाला समय है वो भी डिक्रीज हुआ। पहले मेरे को फर्स्ट चार्ज जैसे मैं चार्ज करता तो करीबन 2-1 घंटे लग जाते थे, आज मैंने फर्स्ट चार्ज करके तो 1 घंटे में मेरी गाड़ी फुल चार्ज हो गई। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, मतलब जब मैंने लगाया था तो 12% करीबन बैटरी थी, और जब मैंने देखा वापस तो करीबन 1 घंटे के अंदर गाड़ी जो मेरी बैटरी थी वो 80% हो गई। मतलब करीबन अगर दोस्तों मैं बात करूँ तो जो बैटरी मेरी 68% करीबन जो चार्ज हुई है उसमें चार्ज होने में करीबन 1 घंटा लगा। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मेरे को, मतलब फास्ट चार्ज में इम्प्रूवमेंट आया है और फास्ट चार्ज जल्दी हुई गाड़ी। तो अभी की दोस्तों अगर बात करूँ तो मैं टेम्परेचर 29.29 डिग्री हो रहा है, और ये मतलब जुलाई का महीना है तो बारिश का टाइम चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है, अगस्त का महीना चल रहा है, तो ये राजस्थान में भी बारिश अच्छी खासी हुई है।
तो आप हरियाली देख सकते हो, चारों तरफ आपको हरियाली दिखेगी। जो एवरेज स्पीड आज मेरी रही है वो कम रही, 31.7 किलोमीटर की मतलब एवरेज स्पीड रही है। और परफॉर्मेंस वगैरह जैसे जैसे मतलब अभी गाड़ी को मेरे को लिए हुए करीबन 6 महीने हो गए, 6 महीने में जो गाड़ी की परफॉर्मेंस ही मतलब पहले इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी कम लगती थी मेरे को, अब जैसे जैसे मतलब मैं चलाना मतलब इसको ढंग से चला रहा हूँ गाड़ी को, तो इसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती जा रही है। इसमें मतलब टायर में हवा प्रेशर वगैरह का ध्यान रखना पड़ता है और चलाने का थोड़ा ध्यान रखना, जिसका ब्रेक का कम से कम अगर अपन यूज़ करेंगे तो आपको अच्छी से अच्छी रेंज निकाल के देगी वीडा। तो करीबन अगर इको मोड में अपन इसको चलाते हैं तो करीबन मैंने इससे 100 किलोमीटर 105 किलोमीटर तक रेंज निकाली हुई है मतलब बिना ब्रेक के। और जैसे चढ़ाई वगैरह फ़र्क पड़ता है, हवा किस तरफ से चल रही है उसका भी फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों अभी की दोस्तों अगर बात करूँ तो मैं 76.3 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और 17% मेरी बैटरी रह गई है और 2 घंटे 18 मिनट हो गए मेरे गाड़ी चलाते हुए। 33.1 का मेरा एवरेज स्पीड रही है और अभी 20 किलोमीटर रेंज दिखा रही है। टाइम जो हुआ है 6:33 जो है टाइम हो गया है। दोनों जो फ्रंट और रियर बैटरी है दोनों लो हो गई है और यहाँ से अभी जो मेरे को चलना है करीबन 13-14 किलोमीटर सफर और तय करना है। तो चलते हैं दोस्तों और देखते हैं कि गाड़ी 13-14 किलोमीटर और चल पाती कि नहीं चल पाती है। मेरे हिसाब से तो आज चल जाएगी गाड़ी, मतलब आज जो गाड़ी की जो एवरेज रहा है वो करीबन काफ़ी अच्छा रहा है। तो यहाँ 87.1 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और 2 घंटे 35 मिनट मेरे गाड़ी चलाते हो गए और 33.5 का एवरेज रहा है और बैटरी है मेरी 9% रह गई, 11 किलोमीटर रेंज दिखा रही है और टाइम जो है शाम का 6:52 हो गई। यहाँ मैं जियो मार्ट पर रुका हूँ और यहाँ से कुछ मेरे को सामान लेना था तो यहाँ से मैं सामान लेके और आगे का सफ़र शुरू करूँगा। तो दोस्तों यहाँ से मैंने सामान वामान ले लिया और मैं घर पे पहुँच गया हूँ। तो टोटल जो आज की रनिंग हुई है वो मतलब 89.4 किलोमीटर, 90 किलोमीटर करीबन गाड़ी चल गई है और अभी भी 10 किलोमीटर रेंज का, 10 किलोमीटर नहीं चलेगी, 3-1 किलोमीटर और चल जाएगी 3-4 किलोमीटर। तो करीबन आप जो मतलब फास्ट चार्जर से 90 किलोमीटर आसानी से चल सकते हो, मतलब ये तो भी 93 किलोमीटर करीबन चल जाएगी। बाकी आप इको मोड में अगर फास्ट चार्जर चार्ज करके 80% पे बैटरी पे चलाते हो तो आराम से आप 90 किलोमीटर आराम से चल सकते हो। तो आज का जो एक्सपीरियंस रहा मेरा मतलब काफ़ी अच्छा रहा, मतलब गाड़ी जो है मतलब परफॉर्मेंस वगैरह काफ़ी अच्छी रही और गाड़ी चलाते हुए मेरे को 2 घंटे 43 मिनट मेरे को गाड़ी चलानी पड़ी। ये थोड़ा बोरिंग रहा मतलब, लेकिन फिर भी मौसम थोड़ा ठंडा है इसलिए गाड़ी चलाने में ज़्यादा इशू नहीं हुआ। तो ये था दोस्तों आज का ऑल ओवर वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।